कपों का तबारह इंच तक लंबे भूले भाले पक्षी होते हैं। इनकी प्रकृति, स्वभाव तथा अन्य बातें कबूतरों से मिलती जुलती होती हैं, पर इन पक्षियों के गर्दन के चारों ओर काले रंग की पट्टी होती है जो इस पक्षी को पहचानने में अहम भूमिका निभाती है। फाख्ता पक्षी में नर व मादा दोनों देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु मादा नर से छोटे आकार की होती है। कपोकत पक्षी को भारत में कई दूसरे नामों से जाने जाते हैं, वैसे कि पंडुक, फाख्ता, कमेड़ी और सिरोटी जैसे नामों से भी जाने जाते हैं। ईसाई धर्म में पवित्र आत्मा का प्रतीक है और चोंच में जैतून की डंठल लेकर उड़ती चिड़िया कपोकत ही है। भारतीय संस्कृति में इस पक्षी को शांति का प्रतीक माना गया है। लोक साहित्य व लोक गीतों में भी कपोकत का महत्वपूर्ण स्थान है। कपोकत पक्षी की ऊंचाई लगभग 10 से 12 इंच के आसपास होती है और इस पक्षी वजन लगभग 100 ग्राम के आसपास होता है। इसको हर स्थान पर देखा जा सकता है क्योंकि ये खुले क्षेत्रों से लेकर अधिक घने क्षेत्रों तक को पसंद करते हैं। ये पक्षी मुख्यतः मनुष्य बस्तियों, तालाबों के किनारे या झील के आसपास ही अपना घोंसला बनाते हैं। ये अपने घोंसले पेड़ों की दो शाखा वाली टहनियों पर, झाड़ियों, घर के छतों व फर्शों पर, बगीचों में तथा खेतों के आसपास ही अपने घोंसले बनाते हैं। ये अपने घोंसले सामान्य ऊंचाई पर बनाते हैं। ये अपने घोंसले में घास फूस, तिनको, लकड़ी के टुकड़ों को रखकर अपना घोंसला बनाते हैं। कपोकत पक्षी का प्रजनन काल पूरे वर्ष पर रहता है। ये वर्ष में कभी भी अंडे दे सकते हैं। मादा कपोकत पक्षी करीब 2 से 3 अंडे देती है। वो अंडे सफेद रंग के होते हैं। नर व मादा दोनों ही अंडे देते हैं। इन पक्षियों में भी अन्य पक्षियों के भांति इलाके के लिए लड़ाई होती है, जिसमें ये अपनी उड़ने की गति को दिखाकर अपना हक जताते हैं। ये पक्षी आकाश में लगभग 40 से 50 मीटर ऊपर उड़ते हैं। ये पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए कबूतर की तरह गर्दन फूलाकर मादा के इर्द गिर्द नृत्य करते हैं तथा अपने सर को नीचे ऊपर भी करते हैं। आप इन्हें अक्सर जमीन पर या नमी वाले क्षेत्रों के पास चलते हुए देख सकते हो। ये जमीन पर पड़े हुए बीज एवं दाने खाते हैं और कभी कभी छोटे कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। कपोकत पक्षी का शिकार बिल्ली, कुत्ते और बड़े शिकारी पक्षी इस कपोकत पक्षी का शिकार करते हैं, यानी कि ये उनके प्राकृतिक दुश्मन है। कपोकत पक्षी का जीवन काल लगभग 2 साल से लेकर 10 साल तक के आसपास होता है।